नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ये वीडियो है असिस्टेंट जनरल एग्जामिनेशन के सॉल्ट पेपर्स का, और इसको आरपीएससी ने 2016 मार्च 2016 के अंदर कंडक्ट करवाया था। और इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दुर्ग में मिठे साहब की दरगाह स्थित है? तो मिठे साहब की दरगाह स्थित है गागरोन के किले के अंदर, गागरोन फोर्ट के अंदर। ये दूसरा सवाल कि बारडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय किस को दिया जाता है? हाईलाइट किसने किया था ये शिव मंदिर बारडोली का? तो इसका श्रेय जाता है जेम्स टॉड को। थाकना शैली का संबंध इनमें से किससे है? तो थाकना का संबंध है ढोल डांस से। अगला सवाल है कि चौथा कि जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व जिस माह में मनाया जाता है? पर्युषण पर्व ये किस माह में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भाद्र मास के अंदर। फड़ बांचते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फड़ बांचते समय रावण हत्ते का प्रयोग किया जाता है। वीर वाण का रचनाकार कौन है? वीर वाण के रचनाकार हैं बादर दाढ़ी। अगला सवाल है कि राजस्थान चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है? राजस्थान चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र मेवाड़ को माना जाता है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हल्दीघाटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हल्दीघाटी है राजसमंद जिले के अंदर। ये बहुत से उदयपुर करके रहते हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखें। इसका करेक्ट आंसर है हल्दीघाटी जो है वो एक हिस्टोरिकल टूरिस्ट साइट है, ये पर्यटन स्थल, ये राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। अगला सवाल है कि जयपुर में अवस्थित ईसर लाट का निर्माण किसने करवाया था? ईसर लाट का निर्माण करवाया था ईश्वरी सिंह ने। अगला सवाल है कि जयपुर मीनाकारी का एक प्रसिद्ध स्थल है, इस कला को लाने का श्रेय किनको है? जो जयपुर की मीनाकारी जो कला है ये एनिमल आर्ट है, तो इसका श्रेय जाता है मानसिंह प्रथम को। दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है गांव अकोला। कंदोरा नामक आभूषण पहना जाता है, ये आभूषण पहना जाता है कमर पर। निम्नलिखित स्थानों में से संत रैदास का जन्म स्थान कौन सा? संत रैदास जी का जन्म स्थान पूछा है, तो इनका जन्म स्थान है बनारस। उदयपुर में देश हितेशनी सभा की स्थापना कब हुई थी? देश हितेशनी सभा की स्थापना हुई थी 1877 में। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था, इस समय धौलपुर का शासक थे ये जो भगत सिंह चौथा जो दे रखा है, भगत सिंह जी 1857 में धौलपुर के शासक थे ये भगत सिंह जी। अगला सवाल है कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस साल में हुआ था? अवध का विलय हुआ था 1856 में। असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरी में हिंसात्मक घटनाएं किस साल हुई थी? तो सीधी सी बात है, चोरी चोरी घटनाएं कब घटित हुई थी यही पूछा इन्होंने, 1922 में ये हिंसात्मक घटना घटित हुई थी। अगला सवाल है कि गांधी जी की नमक यात्रा की रिपोर्ट छापने वाली टाइम नामक पत्रिका प्रकाशित होती है, ये टाइम नामक पत्रिका प्रकाशित होती है यूएसए से। ये किताब का नाम पूछा था एनल्स ऑफ रूरल बंगाल, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं W.W. Hunter। सिंधु व कान्हू संबंध है, इनका संबंध है संथाल विद्रोह से। अगला सवाल है कि निम्न में से लोक हितवादी के नाम से प्रसिद्ध है? लोक हितवादी के नाम से जो प्रसिद्ध है गोपाल हरि देशमुख, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया इसका गोपाल हरि देशमुख। अगला सवाल है कि ब्राह्मो मिशनरी को प्रकाशित करने के लिए तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे, तत्वबोधिनी ये ब्राह्मो मिशनरी के लिए जो तत्वबोधिनी सभा इसके संस्थापक का नाम पूछा है, इनके संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय। अगला सवाल है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ये तो इस बार IAS जो UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था कि
ये एसेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ये विलियम जोन्स के द्वारा स्थापित की गई थी। 24th का हो गया ये बी आंसर। अगला सवाल है, कांग्रेस के 1929 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने जी ने की थी। अपलेचियन पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? अपलेचियन, ये जो माउंटेन है ये नॉर्दर्न अमेरिका में पाए जाते हैं। अट्टाकामा मरुस्थल किस देश में है? अट्टाकामा मरुस्थल ये चौथा है, चील के अंदर है, चील में। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा प्रदेश वनोन्मूलन की समस्या से ग्रस्त है, डिफॉरेस्टेशन की समस्या से ग्रस्त है, इनमें से कौन सा देश? तो वो है अमेज़न बेसिन। कंगारू कहाँ मिलते हैं इनमें से? तो ये मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अगला सवाल है, भारत के पूर्वी तट का दक्षिणी भाग कहलाता है। ये इंडिया का मैप ऐसे बना ले अपन, इसका पूर्वी तट ये हो गया और पूर्वी तट का दक्षिणी भाग इस वाले पार्ट को पूछ रहे हैं, तो इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादक नहीं है, टी प्रोड्यूसिंग स्टेट नहीं है, ये पूछा है। तो यहाँ पे जो झारखंड को छोड़ के ये टी प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, असम, वेस्ट बंगाल और केरल। अगला सवाल है कि हिमालय की सबसे भारी दक्षिणी भाग कहलाता है, द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, हिमालय की सबसे जो आउटर मोस्ट पार्ट उसको कहते हैं शिवालिक रेंज। निम्न में से कौन सा भारत में कागज़ उद्योग का केंद्र नहीं है, मतलब पेपर इंडस्ट्री का सेंटर नहीं है, वो बताना है। तो राजकोट को छोड़ के ये बाकी नेपानगर, मेरठ और बिलासपुर, ये सभी पेपर इंडस्ट्री के सेंटर हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदी है, सबसे पॉल्यूटेड जो रिवर है वो है दामोदर। अगला है कि भारत में कौन सा राज्य कोयला उत्पादक नहीं है, कोयला उत्पादक नहीं होता है, वो है कर्नाटका, यहाँ पे नहीं होता कोयला उत्पादन। अगला सवाल है कि निम्न में से अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, अरावली का सबसे सर्वोच्च शिखर है, निम्न में से पूछा है, ये इनमें से पूछा है कि इनमें से सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो इनमें से सर्वोच्च शिखर अंचलगढ़। अगला है कि चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थानाकृतिक रूप है, द यूनिक टोपोग्राफिक फीचर ऑफ चंबल बेसिन, तो वो है कि बैडलैंड टोपोलॉजी है, ये उत्खात स्थलाकृत है ये। अगला सवाल है कि किस जिले में ताल छापर अभयारण्य स्थित है, तो ये चूरू जिले के अंदर स्थित है। अगुचा गुलाबपुरा किस खनिज का खनन केंद्र है, तो ये सीसा और जस्ता, लेड और जिंक का ये माइंस, यहाँ पे मिनरल्स मिलती हैं अगुचा गुलाबपुरा के अंदर। राजस्थान का कौन सा जिला रॉक फॉस्फेट या खनिज उत्पादक नहीं है, रॉक फॉस्फेट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट नहीं है इनमें से, ये पूछा है। तो ये जो थर्ड पाली में नहीं होता है रॉक फॉस्फेट, बाकी उदयपुर, जैसलमेर और जयपुर में रॉक फॉस्फेट मिलता है। अगला सवाल कि निम्न में से कौन से ज़िले सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से सिंचित होते हैं, सिद्धमुख जो इंदिरा गांधी नहर की जो सिद्धमुख जो ये ब्रांच है, इससे कौन से ज़िले सिंचाई होती है, तो वो हनुमानगढ़ और चूरू। अगला सवाल है कि 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत, ट्राइबल पॉपुलेशन पूछिए, उनका परसेंटेज कितना है राजस्थान के अंदर, तो ट्राइबल पॉपुलेशन है 13.7%, शेड्यूल ट्राइब, वो भी ट्राइब क्या, शेड्यूल ट्राइब एसटी पूछिए, एसटी, तो इनके 13.7% पॉपुलेशन है इनकी स्टेट के अंदर। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस जिले में 2011 में महिला साक्षरता उच्चतम है, हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट किस जिले के अंदर है, तो वो है कोटा में। अगला सवाल है कि कौन सा करेक्ट मैच नहीं दिया हुआ है, वो बताना है। तो एक ऑप्शन थोड़ा सा छुप रहा है, ये रहा, अब आ गया कि करेक्ट इनकरेक्ट मैच बताना है। तो यहाँ पे जो बी वाला है ये गलत दे रखा है, थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ये बी ऑप्शन गलत दे रखे हैं, बाकी सही है कि इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो भीलवाड़ा के अंदर है, ये सही है। और ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री मोडक, ये जो गलत दे रखा है। सीमेंट उद्योग है जो ये निम्बाहेड़ा में है, और सोडियम सल्फेट डिडवाना में पाया जाता है।
अगला सवाल है कि राजस्थान की शीतकालीन वर्षा होती है किसकी वजह से शीतकालीन वर्षा होती है? ये होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होती है ये शीतकालीन वर्षा। जो सर्दियों के अंदर बारिश होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, इसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं इस बारिश को, इसकी वजह से होती है। भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका सोर्स पूछा है, सोर्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो है जुडिशियल सिस्टम, न्यायिक व्यवस्था। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? किस पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इकोनॉमिक जस्टिस एज अ ऑब्जेक्टिव? तो वो पार्ट है प्रीएम्बल और डीपीएसपी को कहा गया है, प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांतों को। डीपीएसपी का मतलब ये हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगला है भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग एक किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये एक न्यायिक प्रक्रिया है, जुडिशियल प्रोसेस है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। फिर है कि भारतीय संविधान में नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किसको मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया है? कि फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है इनमें से, वो बतानी है अपने को। तो यहाँ पे ये इनकम टैक्स पेमेंट इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी, इसके अलावा देश की सुरक्षा करना, संस्कृति की धरोहर की रक्षा करना और जन संपत्ति की रक्षा करना, ये अपनी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इसका अगला सवाल है कि प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियत है? कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस किस आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है? यह है आर्टिकल 14 के अंदर। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट? स्टेट लिस्ट में कौन सा इंक्लूड नहीं है? एजुकेशन, ये जो स्टेट लिस्ट के पार्ट नहीं है, नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है जो एजुकेशन है। स्टेट और सेंट्रल दोनों ही लॉ बना सकते हैं इनके ऊपर। अगला सवाल कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे संबंधित है? 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये है ग्रामीण स्थानीय व्यवस्था, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से संबंधित है, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से। अगला सवाल किस संवैधानिक पद धारकों को, जो कि संसद का सदस्य नहीं होता है, संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाता है, मतलब अटेंड कर सकता है प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट, तो इनमें से वो कौन है? तो वो अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, ये प्रक्रिया में जो पार्लियामेंट में बैठ सकता है उसका सदस्य नहीं होते कोई भी, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। अगला सवाल है कि अंतर्राज्य परिषद का गठन कौन करता है? इंटर स्टेट काउंसिल, इसका गठन करता है प्रेसिडेंट। फिर है कि संविधान के किस संशोधन में मंत्रियों की संख्या सीमित की जाती है? किस अमेंडमेंट के तहत, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, कि मेंबर नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी संख्या को लिमिट किया गया, वो है 91st अमेंडमेंट, उसके तहत 10% ही सिर्फ मिनिस्टर्स बन सकते हैं, 10% मेंबर ही सिर्फ मिनिस्टर बन सकते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु 2011 की जनगणना के आधार पर कुल कितनी नई नवसृजन किए गई है, कि कितनी पंचायत समिति बनाई गई हैं 2011 की जनगणना के आधार पर? तो ये कुल 47 नई पंचायत समितियां बनाई गई है, 47। अगला सवाल है कि राज्य मानव अधिकार के अध्यक्ष की चयन समिति में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं होता है? चेयरपर्सन होता है, चेयरपर्सन को चूज करने के लिए, किसका चेयरपर्सन? स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन को चूज करने के लिए उसकी जो समिति होती है, उसमें इनमें से कौन नहीं होता है, नहीं पूछा है, तो चीफ जस्टिस नहीं होता है, इसके अलावा मुख्यमंत्री होता है, असेंबली का स्पीकर होता है, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी इन असेंबली वो होते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? RPSC में जो अभी जिसका पेपर सॉल्व कर रहे हैं जेलर का, ये RPSC के द्वारा कंडक्ट किया है, इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग द चेयरमैन? तो इसमें होते हैं टोटल 8 मेंबर होते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, कि स्टेट इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल के अंदर आते हैं? तो है आर्टिकल 243K में आते हैं ये। अगला सवाल है कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, कि किस आर्टिकल में जो है कॉन्स्टिट्यूशन का टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ गवर्नर, पावर ऑफ गवर्नर किस आर्टिकल में बता रखे हैं? तो है आर्टिकल 213 के अंदर।
अगला है कि द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन गिव हिज रिजिग्नेशन, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, वो अपना त्यागपत्र प्रेसिडेंट को देते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पे है, हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान कहाँ पे स्थित है, ये जोधपुर के अंदर स्थित है, तो 62 का हो गया बी आंसर। अगला है कि राज्य निर्वाचन आयोग है, ये जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये एक सदस्य आयोग होता है, एक ही हेड होता है इसमें। अगला है वर्तमान में राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं कैलाश मेघवाल, अभी भी यही हैं क्योंकि ये पेपर 2016 का है। राजस्थान को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में गिवन है, ये तो आर्टिकल 167 के अंदर दिया हुआ है, ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर्स। अगला है कि वैश्विक निर्यात में भारत का हिस्सा कितना है, ग्लोबल एक्सपोर्ट के अंदर इंडिया कितना शेयर करता है, तो ये मात्र 1.7% शेयर करता है, सबसे ज़्यादा शेयर USA का है, तो 66 का हो गया सी आंसर। अगला है कि संघीय बजट 2016-17 में सकल राष्ट्रीय उत्पादन के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया था, फिस्कल जो डेफिसिट है इसका कितना टारगेट रखा गया था यूनियन बजट 2016-17 के अंदर, तो ये रखा गया था 3.5% ऑफ GDP, 3.5% GDP का फिस्कल डेफिसिट टारगेट किया गया था। अगला सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष में लागू किया गया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था 2007-08 के अंदर। अगला सवाल है कि मेक इन इंडिया प्रयासों के केंद्र में निम्नलिखित क्षेत्र हैं, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर कौन कौन से सेक्टर हैं मेक इन इंडिया के अंदर, तो मेक इन इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए ये सबसे टारगेटेड सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगला सवाल है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के उद्देश्य में निम्न में से कौन सा उद्देश्य सम्मिलित नहीं है, सांसद आदर्श ग्राम योजना का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है ये पूछा है, तो बाल विवाह को रोकना ये सांसद आदर्श ग्राम का ऑब्जेक्टिव नहीं है, बाकी ये जो तीन देखें दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सांसद आदर्श ग्राम योजना की क्या है कि मूलभूत सुविधाओं में सुधार करना और विषमताओं की में कमी करना, सामाजिक पूंजी में वृद्धि करना। फिर सवाल है कि भारत में राजस्व और पलायन व्यय में किस मद की राशि सर्वाधिक रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट कंपोनेंट इन द रेवेन्यू नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू के नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में सबसे ज़्यादा काम किस सेक्टर में को में खर्चा होता है, कौन सा कंपोनेंट है रेवेन्यू के नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर, तो वो है सब्सिडीज, इंटरेस्ट कहेंगे जो भी दे रखा है ब्याज वो इंक्लूड है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में, यहाँ पे इंटरेस्ट इसका आंसर हो गया। अगला सवाल है कि भारत में सकल कर राजस्व में निगम कर का योगदान टैक्स शेयर में शेयर ऑफ कॉरपोरेट टैक्स इन टोटल टैक्स ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू के अंदर कॉरपोरेट टैक्स का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है ये पूछा है, तो इसका है 32% कंट्रीब्यूशन, टोटल जो टैक्स रेवेन्यू जो कलेक्शन होता है उसमें से 32% कॉरपोरेट टैक्स से कलेक्ट किया जाता है। अगला सवाल है कि 2014-15 की आर्थिक समीक्षा के आधार पर राजस्थान में चालू कीमत पर GSDP के आधार पर आर्थिक, ये थोड़ा सा क्वेश्चन भी कट गया वैसे, इसका आंसर है 2.11% होगा। फिर है कि राजस्थान में रिसर्जेंट राजस्थान के द्वारा जल संरक्षण के लिए जून 2016 तक कितने गांव लाभान्वित होंगे, हाउ मेनी विलेजेस विल बी बेनिफिटेड फॉर वाटर कंजर्वेशन थ्रू रिसर्जेंट राजस्थान 2000 स्कीम से, इससे कितने गांव लाभान्वित होंगे, तो 3500 गांव लाभान्वित होंगे इस परियोजना से। फिर है कि राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना 2014 के अनुसार राजस्थान सरकार विनिवेशकों को कौन सी सुविधा प्रदान करती है, कौन सी सुविधा प्रदान नहीं करती है ये पूछा, क्योंकि नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, किसमें राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2013 के तहत इनमें से कौन सी जो सुविधा है वो राजस्थान गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करती, वो सब्सिडी ऑन ट्रांसपोर्ट ये नहीं प्रोवाइड करती है, इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट इस स्कीम के तहत इन्वेस्टमेंट सब्सिडी देती है,
एग्जेम्पशन देती है फ्रॉम पेमेंट ऑफ एंट्री टैक्स के लिए, और स्पेशल कस्टमाइज पैकेज भी देती है। तो ये ट्रांसपोर्ट वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान में भामाशाह 2014 ये योजना कब शुरुआत की गई थी। इस योजना की शुरुआत की गई थी 68th इंडिपेंडेंस डे पर। सीधा सा ये सवाल था कि 2014 में कौन सा गणतंत्र दिवस बना रहे हैं, तो 68th इंडिपेंडेंस डे में ये योजना शुरुआत की गई थी। अगला है कि कौन सा भामाशाह योजना 2014 का भाग नहीं है। 2014 में इनमें से कौन सी स्कीम भामाशाह योजना के अंदर इंक्लूड नहीं की गई है, तो ये क्रॉप इंश्योरेंस को इंक्लूड नहीं किया, बाकी हेल्थ इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर इन एनी ब्रांच, ये सभी स्कीम के अंदर इंक्लूड की गई है, तो इसमें क्रॉप इंश्योरेंस इंक्लूड नहीं की है। अगला है कि DBT योजना कौन सा विकल्प निम्न में से नहीं है। ऑब्जेक्टिव नहीं है DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो वो है अर्थव्यवस्था में विनियोग में वृद्धि, टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी, ये DBT स्कीम का पार्ट नहीं है। बाकी लाभावित के बचत खाते में इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा लाभ हस्ताक्षरण और भुगतान में विलंब को कम करना और भुगतान में छोटे छोटे चोरियों तथा प्रतिलिपि को रोकना, ये सभी DBT स्कीम के उद्देश्य हैं। अगला सवाल है कि प्रसाद स्कीम किससे संबंधित है। ये जो स्कीम है ये पर्यटन से संबंधित है। फिर है कि भारत में प्रसाद योजना में कौन सा शहर शामिल है, प्रसाद योजना के तहत कौन सा शहर शामिल है, वो जयपुर इंक्लूड है स्कीम में। महिला सशक्तिकरण की कौन सी योजना है, इनमें से महिला सशक्तिकरण की कौन सी योजना है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला और नारी शक्ति पुरस्कार, ये सभी के सभी महिला सशक्तिकरण से संबंधित परियोजना है, तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 के अंदर कितनी बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, तो वो टोटल 14 बैंक का किया गया था। जो आप अभी IBPS के फॉर्म भरते हो उसमें जो 14 बैंक हैं नेशनलाइज, वो सारे के सारे अगर मैं सही हूँ तो वही हैं सारे। अगला है कि प्रत्यक्ष नगद हस्ताक्षरण की राष्ट्र समिति ने 1 जनवरी 2013 में भारत में कितनी चयनित योजनाओं को लाभ दिया था ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र के लिए, तो ये इसमें जो ये टोटल योजना है 28 स्कीम्स को इंक्लूड किया गया था। अगला है कि राजकोष घाटे का केंद्रीय बजट में अर्थ है। फिस्कल डेफिसिट इन द यूनियन बजट मीन्स, जो राजकोष घाटे का इसका अर्थ क्या होता है ये पूछा है। इसका अर्थ होता है बजट घाटा व आंतरिक व बाहरी उधार में विशुद्ध वृद्धि का योग, द सम ऑफ बजटरी डेफिसिट एंड नेट इंक्रीज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोविंग, ये भी इंक्लूड है इंटरनल एक्सटर्नल बोरोविंग, तो यहाँ पे डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 2011-12 में भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का स्थान, वुलन प्रोडक्शन में राजस्थान की कितनी रैंक थी 2011-12 में, तो इसकी रैंक थी फर्स्ट रैंक है, सबसे ज़्यादा वुलन प्रोडक्शन राजस्थान में होता है ऊन उत्पादन। फिर है कि राजस्थान बजट 2015-16 के अनुसार राजस्थान को अधिकतम आय प्राप्त होती है, राजस्थान को अधिकतम आय प्राप्त होती है वैट वैल्यू एडेड टैक्स है या कह दो टैक्स जो लगाया जाता है मालों गुड्स और सर्विस पे जो टैक्स लगाया जाता है उससे प्राप्त होती है। अगला है कि 2016 के संघीय बजट में कृषकों की आय को 5 वर्ष में 2 गुना करने का प्रस्ताव, इस लक्ष्य की परियोजना में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं, तो मतलब अगले 2016 के जो यूनियन बजट था उसमें डबल करना फार्मर की इनकम को अगले 5 सालों में, तो स्टेप टेकन फॉर अचीविंग दिस गोल, कौन कौन से स्टेप अचीव करने के कौन कौन से लिए, सारे जो स्टेप्स हैं कि सिंचाई कार्यक्रमों पर माफ़ी पर जोर और कंपोस्ट खाद की उपलब्धता बढ़ेगी और उपज में विपणन में सुधार होना, इम्प्रूवमेंट इन मार्केटिंग ऑफ प्रोड्यूस, ये सारी इंक्लूड हैं इस स्कीम के तहत, तो यहाँ पे डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर है कि राजस्थान की पहली DBT योजना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कौन सी थी, तो वो थी ये भामाशाह परियोजना थी, ये जो राजस्थान की पहली DBT स्कीम थी। अगला है कि जल क्रांति अभियान 2015-16 जो ये प्रोग्राम है किसके द्वारा आयोजित किया गया, जल क्रांति अभियान ये किया गया राजस्थान वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा, ये संयुक्त रूप से ऑर्गेनाइज किया गया था। अगला सवाल कि रेल संयोजना एवं क्षमता वृद्धि परियोजना के लिए कौन सी नीति नहीं है, नॉट द पॉलिसी ऑफ रेल कनेक्टिविटी एंड कैपेसिटी ऑगमेंटेशन प्रोजेक्ट, इनका पार्ट नहीं है वो पूछा है, तो ये जो सी ऑप्शन है ये नहीं है कि 100% डबल लाइन
ट्रैफिक इन नियर फ्यूचर। फिर एक केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो इस बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से धातुओं का कौन सा युग्म मुलायम धातुओं का एक उदाहरण है, कि निम्न में से कौन सा सॉफ्ट मेटल का एग्जाम्पल है, ये पूछ रहे हैं। सॉफ्ट मेटल का एग्जाम्पल है लिथियम और पोटेशियम। यूनिट पूछिए प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, तो प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल। इलेक्ट्रिकल करंट की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिकल करंट की यूनिट होती है एम्पेयर। फिर है कि अल्टरनेटिव करंट इज कन्वर्टेड टू डायरेक्ट करंट, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, उसको अपन रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। अगला सवाल है कि ए नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस क्रॉसिंग द लिमिट ऑफ ए कंट्री और कॉन्टिनेंट, ये जो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है जो किसी देशों और महाद्वीपों के बीच में है, तो इस ऐसे नेटवर्क को अपन बोलते हैं वैन वाइड एरिया नेटवर्क। अगला है कि निम्न में से किस आवृत्ति ब्रांड प्रयास को एफएम प्रसारण सेवा हेतु उपयोग में लिया जाता है, एफएम ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के लिए किस रेंज का जो ये फ्रिक्वेंसी यूज़ की जाती है, तो वो है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज तक। तो ये आप रेडियो में भी देखते हो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी अपन यूज़ करते हैं एफएम ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज के लिए। अगला सवाल है भारत में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा पॉलिसी की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी कब शुरू की गई थी, ये 2013 के अंदर स्टार्ट की गई थी। ई गवर्नेंस हैज़ मेनली डेवलप्ड बाय ई गवर्नेंस किसके मेनली किसके द्वारा डेवलप किया जाता है, ये नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के द्वारा NIC। नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स वाज अप्रूव्ड इन, जो ये नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स ये कब अप्रूव की गई थी, ये अप्रूव की गई थी 2012 में। अगला सवाल है कि हेडक्वार्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अंतर कहाँ पे स्थित है, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है बेंगलुरु के अंदर। मार्स ऑर्बिटर स्पेस क्राफ्ट वॉज लॉन्च बाय इंडिया फ्रॉम, तो ये मार्स ऑर्बिटर स्पेस क्राफ्ट इंडिया भारत द्वारा कहाँ से लॉन्च किया गया था, श्रीहरिकोटा। अधिकतर जो स्पेस जो अंतरिक्ष यान होते हैं यहीं से लॉन्च किए जाते हैं भारत के। अगला है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघ किस वर्ष में स्थापित किया गया था, इसरो की स्थापना कब हुई थी, ये सीधा सा सवाल है कि ये किया गया था, इसकी स्थापना हुई थी 1969 के अंदर, इसरो की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1969 के अंदर। फिर है कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्था कहाँ पर स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये है तिरुवनंतपुरम के अंदर। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पे लोकेटेड है, रिमोट सेंसिंग एजेंसी ये हैदराबाद में है। अगला सवाल है कि भारत में रक्षा उत्पादन विभाग किस वर्ष सृजित किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, ये इस डिपार्टमेंट का एस्टैब्लिशमेंट कब किया गया था, स्थापना कब की गई थी, ये 1962 के अंदर स्थापित किया गया था ये डिपार्टमेंट। अगला सवाल है कि निम्न में से भारत का प्रथम स्वदेशी युद्धक टैंक कौन सा है, फर्स्ट इंडिजीनियस बैटल टैंक ऑफ इंडिया जो भारत में निर्मित है, स्वदेशी है, उस बैटल टैंक का नाम है विजयंत। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा राजस्थानी कृषि वैज्ञानिक पद्म भूषण अलंकार प्राप्त हैं, कि राजस्थान के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो वो हैं आर एस परोदा। अगला सवाल है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एज ए सेटअप डायरेक्टरेट ऑफ मस्टर्ड रिसर्च इन राजस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है जो जिसे राजस्थान में सरसों अनुसंधान केंद्र निदेशालय कहाँ पे स्थापित किया गया है, कहाँ पे स्थापित किया है, ये क्या है जोबनेर नहीं है, ये भरतपुर के अंदर है, सेवर भरतपुर के अंदर, इसका आंसर हो गया डी भरतपुर के अंदर, वो भी सेवर, ये जो डी आंसर है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान सरकार ने सेरेमिक हब हेतु किस जिले में भूमि आवंटित की है, सेरेमिक हब को विकसित करने के लिए कहाँ पे भूमि आवंटित की है, वो अजमेर में। अगला सवाल है कि मनुष्य के लिए ऊपरी व निचले जबड़े के प्रत्येक आधे भाग में दांतों की व्यवस्थाकृत रदन अग्र वर्णन ये क्रम में दंत सूत्र के अनुसार होती है, फॉर ह्यूमन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ द ऑर्डर ऑफ इंसीजर्स कैनिन और ये आगे क्या लिखा हुआ है मिसप्रिंट है इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला, किस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट होते हैं ये, 2 1 2 3
डिवाइड बाई 2 और 2, 3, ये रेशियो होता है इनका। अगला सवाल कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, तो वो है लीवर, यकृत सबसे बड़ा ग्लैंड है। अगला सवाल कि निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित है या करेक्ट मैच बताना इनमें से कौन सा है, तो जमुना पूरी एक ये भेड़ की प्रजाति है, तो यहाँ पे बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान में राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस, ये राजस्थान के अंदर कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है तबीजी अजमेर के अंदर। अगला सवाल कि निम्न में से कौन सा भोजन का सूक्ष्म पोषण है, माइक्रो न्यूट्रिशन ऑफ फूड, इनमें से कौन सा है। माइक्रो न्यूट्रिशन होता है आयोडीन को अपन माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। फिर है कि निम्न में से कौन सा कंद है, एक ट्यूबर है एक, तो वो है पोटैटो। निम्न में से कौन सा उर्वरक में 46% नाइट्रोजन होता है, तो वो अपने यूरिया में मिलता है, 46% नाइट्रोजन होता है उस यूरिया के अंदर। बैक्टीरिया, थाइपॉइड है ये, टाइफाइड है ये पैथोजन, ये बैक्टीरिया इसका टाइफाइड हो गया। फंजी से अपने रिंगवॉर्म होता है, प्रोटोजोवा से मलेरिया होता है, और वायरस से कोल्ड कफ होता है, तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कोड जो फोर्थ है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी का सेकंड है, तो एक बार मैच कर लें, प्रोटोजोवा से मलेरिया ही होता है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे डी, एक बार हिंदी में थोड़ा सा वापस कन्फ्यूज़न है, तो जीवाणु की वजह से ये अपने पास टाइफाइड हो जाता है। जो कवक होता है ये दाद कवक की वजह से होती है, प्रोटोजोवा मलेरिया और प्रोटोजोवा का संबंध है, विषाणु से अपने को जुखाम होती है। उत्पादन में प्रथम स्थान है इनमें से किसके उत्पादन में प्रथम स्थान है राजस्थान का, तो उनके उत्पादन, ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया। अगला है कि गांवों की सामान्य भूमि पर शीघ्र वृद्धि करने वाले बहुउद्देश्य उपयोगी पादपों को इमारती लकड़ी जलावन उपयोग हेतु लगाना कहलाता है। प्लांटेशन ऑफ फास्ट ग्रोइंग मल्टीपर्पज़ यूज प्लांट ऑन कॉमन विलेज लैंड फॉर द यूज ऑफ फॉर फूड एंड फॉडर है क्या, फॉर फायर एंड फॉडर इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं, सामाजिक वानिक कहते हैं इसको। तो ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे राजस्थान असिस्टेंट जेलर एग्जामिनेशन जो RPC के द्वारा कंडक्ट किया गया था। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर विद योर फ्रेंड एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।